खबर मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा के पाडुना में, जहां पर पाडुना में राष्ट्रीय आयुष मिशन आयुष विभाग मध्य प्रदेश के अंतर्गत विकास खंड स्तरीय निःशुल्क आयुष मेले का आयोजन जिला आयुष अधिकारी छिंदवाड़ा डॉक्टर बदाड़े के आदेशानुसार नगर पालिका परिषद पाडुना में किया गया, जिसमें कई प्रकार की योजनाओं का लाभ दिखाने की बात सामने आई। पेच IBN 24 न्यूज के लिए नितिन जायसवाल की रिपोर्ट। मैम, ये जो आयुष मेला आयोजित किया गया, इसका उद्देश्य क्या है, संक्षिप्त में बताइए। इसमें यही है, आयुष के अंतर्गत जो पैथियाँ आती है, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, यूनानी और योगा वगैरह, इन सब के लिए लोगों को जागरूक करना और उनका इस तरफ रुख बढ़ाना। जो कि इसमें एक मेन एक पैथी आती है आयुर्वेदिक, जो परंपरागत अपनी इंडिया की ही पैथी है, जिसको लोगों ने फॉलो करना चाहिए, जो एकदम स्वस्थ और बढ़िया पैथी है, आपको कोई साइड इफेक्ट नहीं देगी। साथ साथ इसमें एक होम्योपैथी भी एक पैथी है, जो एक जर्मन पद्धति है, लेकिन जिसमें काफ़ी तरीके से पेशेंट को आराम हो जाता है, जड़ से बीमारियां ख़त्म होती है और क्रोनिक जो पुरानी बीमारियां रहती है उसके लिए ये बहुत फ़ायदेमंद होती है। जी जी, आप है डॉक्टर सीमा विले, जो कि नोडल अधिकारी है, और आज जो आयुष मेला यहाँ आयोजित किया गया, तो मैं चाहूँगा कि वो क्यों आयोजित किया गया, इसका पीछे का पर्पस क्या है। सर, राष्ट्रीय आयुष मिशन के अंतर्गत विकास खंड स्तरीय आयुष मेला हर ब्लॉक में आयोजित किया गया है, जिसके अंतर्गत आयुष विभाग की जितनी योजनाएं चल रही हैं उनका प्रचार प्रसार करना है। और सभी जगह SWC बनाए गए हैं, SWC में औषधि पौधों का रोपण किया गया है, तो औषधि पौधों की जानकारी दी जा रही है, आयुष फ्लोर ऐप की जानकारी दी जा रही है, जिसके अंतर्गत ऑनलाइन वैद्य अवेलेबल रहते हैं और अच्छे से उपचार प्राप्त कर सकते हैं। ओके मैम, थैंक यू।